Hello everyone, welcome to Manual Education. In this video, we'll talk about cutoff list for MH and All India students. So first of all, we know MBA CET 2021 का कैपरॉन प्रोसेस चालू हो चुका है और you have to visit CET सेल वेबसाइट एंड you have to register yourself for कैपरॉन प्रोसेस. So CET सेल पर कैसे जाके कैसे कैपरॉन प्रोसेस को रजिस्टर करना है, we'll tell you. But before that, in this video, we'll talk about MH, which is nothing but Maharashtra students और All India students के लिए कैपरॉन के लिए कट ऑफ लिस्ट क्या हो सकती है, फर्स्ट राउंड के लिए क्या हो सकते हैं, सेकंड राउंड के लिए क्या हो सकते हैं और कहाँ पे मुझे चेक करना है. So I will tell you all the details in this video. So before going to start, big announcement for MBA aspirants. So we have launched specific channel for MBA. So Manure MBA entrance, just you have to subscribe this channel immediately so that you will get all the updates related to Capron process. So just subscribe our channel Manure MBA entrance and you can find the link in the description. Also Manure launches the batches for MBA entrance exam for 2022. If you wanted to prepare for MBA CET, TSNAP, SCAT, others examinations, so you have to contact on this number 8828581455. We have live lectures and offline class coaching also. So in live lecture you will get live classes, then ebooks, shortcut tricks you will provide it, then doubt classes, recorded videos will be there, topic test, mock test, WhatsApp group where mentor will guide you, then 10,000 plus questions are there, mentorship will be provided to you. You have to just contact on this number or else you can visit our website www.manureedu.com/mbaentrance. So first of all, what exactly you need to do is nothing but you have to visit to a CET cell. उसके बाद आपको MBA MMS इस पे क्लिक करना है. Then once you click on this website, this website will be open. So यहाँ पे क्या करना है, इफ यू आर न्यू कैंडिडेट देन यू हैव टू रजिस्टर फॉर दिस न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन. ओके, एंड अगर आप वंस यू डन योर रजिस्ट्रेशन देन यू हैव टू लॉग इन फ्रॉम दिस, यहाँ से आपको लॉग इन करना है. ओके, सो नाउ इफ यू सी योर एक्टिविटी यहाँ पे आ चुकी है फॉर MBA कैपराउंड प्रोसेस के लिए. सो लेट्स सी व्हाट इज द एक्टिविटी. सो फर्स्ट इज नथिंग बट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम 10th से स्टार्ट होगा एंड इट विल बी 10th से कहाँ तक है, 20 तक है, टिल 5 PM. ओके, सो यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ. उसके बाद ई स्क्रूटनी भी होगा. ओके, सो ई स्क्रूटनी होगा विच इज नथिंग बट ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे. ओके, डोंट थिंक कि सिर्फ ऑफलाइन ही होगा, फिजिकली जाके आपको करना है, ऐसे नहीं है, ऑनलाइन भी होगा. सी यहाँ पे दिया उन्होंने प्रोसेस फॉर ई स्क्रूटनी मोड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. सो 10th से आपको 21 तक होने वाला है. ओके, देन यू कैन सी 21 के बाद आपको जो अगर आपको ऑफलाइन करना है देन यू हैव ऑफलाइन भी कर सकते हो. ओके, देन उसके बाद उन्हें 22 को एक मेरिट लिस्ट रहेगी, शॉर्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, एंड उसके बाद जो भी आपके ग्रीवियंस है लाइक कोई भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे तो वो आपके सॉल्व हो जाएंगे टिल 25, एंड 26 को फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी एंड 26 के बाद आपके कैपराउंड भर सकते हो. ओके, वंस यू गॉट द कि मेरा रैंक कितना है, ओके, महाराष्ट्र से रैंक कितना है, देन मैं वहाँ से उसके बाद उस रैंक को देख के मैं आपको कैपराउंड आपके भर सकता हूँ फ्रॉम 27 टू 29. सो वी हैव टू टू थ्री डेज फॉर कैपराउंड 1. ओके, उसके बाद कैपराउंड का रिजल्ट लगेगा. कब लगेगा वो, प्रोविजनल अलॉटमेंट मुझे मिलेगा 2nd December एंड देन 3rd December से आप वापस कैपराउंड 1 की जो भी लॉग इन करके आपको कॉलेज फ्रीज करना है क्या करना है वो दैट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू. सो वो उसके बाद कर सकते हो और उसके बाद कैपराउंड 2 का प्रोसेस चलोगा. सो दिस इज नथिंग बट इज योर प्रोसेस. ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे वॉट एग्जैक्टली वी हैव टू सी इज नथिंग बट कैपराउंड के लिए कट ऑफ क्या है. ओके, सो लेट्स सी द कट ऑफ. कट ऑफ लिस्ट में इफ यू गो हियर यू कैन फाइंड द कट ऑफ लिस्ट फॉर 2020 एंड 2021 के लिए यहाँ पे. ओके, सो दिस इज 2021 एंड 2021 के लिए जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है. सो इफ यू गॉट 99.97% देन यू विल गेट JBIMS. इसके बाद नहीं मिलेगा, 99.97 पे JBIMS क्लोज हुआ है. सो दिस इज योर AI. ओके, दिस इज योर ऑल इंडिया सीट्स. ओके, महाराष्ट्र नहीं है. सो महाराष्ट्र के लिए देर इज वन मोर फाइल यू कैन फाइंड हियर. ओके, यहाँ पे एक और फाइल है, इस पर क्लिक करो, यू विल गेट द महाराष्ट्र के लिए भी मिल जाएगा. सो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज होंगे, सो यू हैव टू जस्ट कंट्रोल एफ कर दो एंड यू विल गेट द कॉलेज लाइक जमनालाल बजाज. सो यू विल गेट हियर. सो ये कॉलेज मिल गया. वंस यू गॉट द कॉलेज उसके बाद यू कैन सी हियर, यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज हैं. ओके, यू विल फाइंड सी. ओके, सी दिस इज फर्स्ट कैटेगरी इज नथिंग बट ओपन. ओपन के लिए ये द फर्स्ट इज नथिंग बट 62-136 विच इज नथिंग बट इफ यू गॉट 136 मार्क्स एंड 62 रैंक है अगर आपका देन यू विल गेट JBIMS. ओके, इसके पहले अगर 62 का पहले अगर रैंक है 62 रैंक तक आपको JBIMS मिल सकता है इन कैपराउंड 1. ओके, कैप 1 में, हाँ, दिस इज ऑल अबाउट कैप 1. ये महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए GS. ओके, SC के लिए 121 मार्क्स होने चाहिए, 465 इज नथिंग बट योर कैपराउंड में आपका रैंक कितना होना चाहिए,
महाराष्ट्र का 465 रैंक होना चाहिए, महाराष्ट्र का रैंक। एसटी में कितना होना चाहिए? 1750। ओके, यहाँ पे वीजे में होना चाहिए 525, देन एनटी में होना चाहिए 228। सो ये कैटेगरीज है, ओके, दिस आर द डिफरेंट कैटेगरीज। एनटी वन होता है, एनटी टू भी होती है, एनटी थ्री भी होता है। ओके, सो एनटी वन, एनटी टू और एनटी थ्री, ओके, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग रैंक है। ओके, ओबीसी तो 202 रैंक होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जा सकते। पीडब्ल्यूडी ओपन हो गए तो 647 पे मिल जाएगा, टीएफडब्ल्यूएस 34 पे क्लोज हो गया। ट्यूशन फी वेवर स्कीम, ओके, तो ट्यूशन फी वेवर स्कीम के लिए 34 लास्ट है। यहाँ पे एक और कैटेगरी ईडब्ल्यूएस हो गए तो 77 पे मिल सकता है। ओके, 77 रैंक होना चाहिए, 134 मार्क्स होने चाहिए और लास्ट में ऑर्फन। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू इज समथिंग, बट यहाँ पे आपको देखना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो। ओके, सी यू हैव टू चेक फॉर ऑल द कॉलेजेस। अब ये JBIMS है, उसके बाद यू विल फाइंड डिफरेंट कॉलेज नथिंग बट यहाँ पे सिडनम मिला। देखो सिडनम में बहुत सारी कैटेगरीज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 टोटल कैटेगरीज इतने 21 कैटेगरीज है। सो यू हैव टू फाइंड आउट योर सेल्फ कि आप कौन से कैटेगरी से हो। ओके, इफ़ यू आर होम यूनिवर्सिटी से हो तो आपका ये आपको चेक करना है, अगर आप अदर देन यूनिवर्सिटी से हो तो आपको ये चेक करना है, एंड होम यूनिवर्सिटी से हो आपको ये चेक करना है। ओके, एंड स्टेट लेवल आपको ये दो चीज़ मिलेंगे, TFWS एंड EWS। ओके, योर सेल्फ यू हैव टू चेक, यहाँ पे ये 243 इज नथिंग बट योर रैंक एंड ये 127 इज नथिंग बट योर स्कोर। ओके, बिग प्रॉब्लम इज नथिंग बट मुझे स्कोर कार्ड ही पता नहीं है। स्कोर कार्ड में सिर्फ मुझे ये पता है कि 99.95% 99.9% 98% 96% ऐसे ही मुझे वैल्यू दी है। सो वी हैव टू वेट टिल 26 तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा, बिकॉज फाइनल मेरिट लिस्ट तभी आएंगी, उसके बाद हम लोग कैंपराउंड भरेंगे। सो दैट तब तक तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा हम लोग को कि मेरा रैंक कितना है, एटलीस्ट बेस्ड ऑन द रैंक वी हैव टू सी। मुझे स्कोर कार्ड में पता नहीं है कितने मार्क्स मिले, तो मार्क्स पता नहीं है तो एटलीस्ट वी कैन चेक अवर रैंक। सो रैंक पे मुझे पता चलेगा, ओके, विच कॉलेज एग्जैक्टली आई विल गेट। सो दिस इज नथिंग बट फॉर महाराष्ट्र, यू कैन चेक ऑल द कॉलेजेस, आपके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। ये दो यहाँ पे दिए हैं, ओके, सो फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सो इफ यू आर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स देन यू हैव टू चेक दिस कैंपराउंड वन एंड कैंपराउंड टू, इफ यू आर महाराष्ट्र स्टूडेंट देन यू हैव टू चेक कैंपराउंड वन कैंपराउंड टू, दैट्स इट। एंड इफ यू वांटेड टू प्रिपेयर फॉर MBACET 2022 देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 8828581455 फॉर ऑनलाइन कोचिंग, एंड इफ यू वांटेड टू जॉइन अवर ऑफलाइन क्लासरूम कोचिंग देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस थ्री नंबर्स। सो वी हैव थ्री सेंटर्स, बोरिवली, वसई एंड दादर, सो जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन दिस थ्री नंबर्स एंड बुक योर सीट नाउ। You can also follow us on social media like YouTube. We have separate channel for MBA entrance. So many of our MBA entrance, just follow. And you can check the link in the description. We have on Facebook, Instagram and Telegram also.